राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और 3 दिसंबर को परिणाम घोषित हो जाएंगे। चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पार्टियों ने प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान प्रस्तुत किए गए लिफाफे से उनकी संपत्ति और उनके बारे में पूरी जानकारी का खुलासा हो रहा है। इसी दौरान 2018 में भारतीय ट्राइबल पार्टी से विधायक बने राजकुमार रोत की संपत्ति का खुलासा भी हुआ। बता दें, राजस्थान के सबसे गरीब माने जाने वाले विधायक राजकुमार रोत की संपत्ति 96 गुना बड़ी है। ये जानकारी चुनावी अल्फनामे से मिली। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजकुमार रोत ने उनके पास 69,16,375 रुपए मूल्य की संपत्ति और उनकी पत्नी के पास 48,46,264 रुपए मूल्य संपत्ति बताई है। यानी दोनों के पास कुल मिलाकर 1,17,62,639 रुपए की संपत्ति बताई है। अब 2018 के चुनाव की अगर बात करें तो राजकुमार रोत ने 2018 का चुनाव भारतीय ट्राइबल पार्टी के सिंबल पर लड़ा था। उस वक्त उन्होंने अपनी संपत्ति 1,22,000 रुपए बताई थी। तब वे अविवाहित थे और अब उनकी संपत्ति में उनकी पत्नी के हिस्से की संपत्ति भी जुड़ गई है। बता दें, राजकुमार रोत के पास पहले सिर्फ एक बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल थी और 2020 में उन्होंने स्कॉर्पियो ली और उनकी पत्नी ने भी 2022 और 23 में कुल 37 लाख रुपए मूल्य की 2 अलग अलग प्लॉट खरीदे। बता दें, 2018 में उनके पास कोई सोना नहीं था और अब उनके पास 30 ग्राम सोना भी है। आपको बता दें, 2018 में राजकुमार BTP के उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई है। अब वे भारत आदिवासी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। भारत आदिवासी पार्टी दक्षिण राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में चुनाव लड़ रही है और राजकुमार रोत उसका प्रमुख चेहरा है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।